खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर, मिरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग फास्टर देन एवर बिफोर, बट नो मैटर व्हाट द चैलेंज, आवर चिल्ड्रन विल फाइंड द सॉल्यूशन फॉर इट। At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions. Be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया, मैं बबीता सिंगौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में सपा को लगा बड़ा झटका, और बात होगी सीतापुर के 30 परीक्षा केंद्रों पर 17 से 18 फरवरी को आयोजित होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। फिर बात करेंगे सीतापुर की बालिकाओं ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य जीतकर जिले का बढ़ाया मान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे शाहजहांपुर के सपा नेताओं ने अखिलेश को बंद लिफाफे में सौंपे दमदार प्रत्याशियों के नाम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए सीतापुर टीम का हुआ चयन। सीतापुर की सभी तहसीलों में फैला लहरपुर का लेखपाल आंदोलन। सीतापुर में 110 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी ट्रेन, देखते रहे अधिकारी। सिधौली बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रदीप सिंह बने अध्यक्ष। लखीमपुर में भी बड़ा भाजपा का कुनबा, कुछ हुई घर वापसी, कुछ ने ली सदस्यता। अबीर गुलार और फूलों की वर्षा के बीच लखीमपुर के मैलानी से विदा हुए श्याम भक्त। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने फिर घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास। यूपी से सपा के 3 राज्यसभा प्रत्याशियों ने किया नामांकन। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी को यूपी के सीतापुर में बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को सपा के 3 सैकड़ा से अधिक नेता तथा कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए हैं। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने पार्टी के जिला कार्यालय पर इन सभी को भाजपा में शामिल कराया। सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी के प्रतिनिधि नमींद्र अवस्थी के नेतृत्व में शामिल होने वाले सभी सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सीतापुर नगर पालिका के सभासदों सहित किन सपा नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और क्या कहा, इसे विस्तार से जानने के लिए आप आई इंडिया पर संबंधित खबर देख सकते हैं।
संयुक्त किसान मोर्चा और कुछ श्रमिक संगठनों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित तमाम अभिभावकों ने चिंता व्यक्त करते हुए इस आह्वान का विरोध किया है। उनका कहना है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही होने के साथ साथ 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा भी होनी है। ऐसे में अगर देशव्यापी बंद तथा रेल और सड़क रोको प्रदर्शन किया जाएगा तो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आरक्षी भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को सीतापुर के 30 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। दोनों दिन दो पालियों में होने वाली इस परीक्षा के लिए 56,160 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा को सकुशल और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए डीएम मनोज सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सीओ सिटी अमन सिंह, डिप्टी कलेक्टर पंकज सक्सेना, डीडीओ हरिश्चंद प्रजापति, डीआईएस राजेंद्र सिंह और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित सभी केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस परीक्षा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। कभी सीतापुर की पहचान रही मूंगफली की खेती को वापस लाने की दिशा में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया प्रयासरत है। इसके लिए केंद्र गुजरात के मूंगफली अनुसंधान निदेशालय से सहयोग ले रहा है। इसी सिलसिले में केंद्र द्वारा मूंगफली की उन्नत कृषि पद्धतियों को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण को परियोजना समन्वयक सैलन सिंह, केंद्र अध्यक्ष डॉ. दयाशंकर श्रीवास्तव और मृदा वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर ने संबोधित करते हुए मूंगफली अनुसंधान के दिशा निर्देश में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य से संबंधित कार्यशाला का आयोजन सीतापुर के सीएमओ कार्यालय में किया गया। सीएमओ डॉ. हरिपाल सिंह ने जलवायु परिवर्तन के कारण मानव स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया। कार्यक्रम को नोडल अधिकारी डॉ. दीपेंद्र वर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में संबंधित विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर के ऊर्जावान सपा कार्यकर्ता शिवम सिंह ने सबसे कम उम्र में किसी राजनीतिक संगठन के जिला अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया है। शिवम सिंह के पार्टी के प्रति समर्पण और निष्ठा को देखते हुए उन्हें सीतापुर में सपा छात्र सभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने यह उपलब्धि महज 20 साल के 3 महीने और 30 दिन की उम्र में हासिल की है। एक कुशल वक्ता के रूप में पहचान रखने वाले शिवम सिंह पार्टी में इतना जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं कि पार्टी ने उन्हें प्रमुख अखिलेश यादव केवल जानते भर नहीं है बल्कि आत्मीयता भी रखते हैं। सीतापुर के खैराबाद स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज में स्वाति फाउंडेशन द्वारा महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता फाउंडेशन चेयरमैन और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने की। इस दौरान पूर्व मंत्री ने महिला सशक्तिकरण पर विचार व्यक्त किए। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्र कुमार, डॉक्टर राजीव द्विवेदी, प्रियंका भारती, शेखर सिंह, डॉक्टर रविंद्र शर्मा, अनूप कुमार, रश्मि संत, डॉक्टर आरती मिश्रा और रजनीश कुमार मौजूद रहे। खैराबाद के भुइयाताली तीर्थ पर 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। बड़ी संगत महंत बजरंग मुनि दास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मां भगवती का गुणगान और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सीतापुर के नेपालापुर स्थित आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने बताया कि इस मौके पर सरस्वती पूजन, विद्यारंभ संस्कार का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। सीतापुर के शेख सराय निवासी जावेद अख्तर को भारतीय पसमांदा समाज का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से रैली में इस आशय का मनोनयन पत्र जारी किया गया है। इसके मुताबिक मोहम्मद इरफान को लखीमपुर का जिलाध्यक्ष तथा असलम अंसारी को लखीमपुर का जिला प्रभारी बनाया गया है। सीतापुर शहर के मोहल्ला आदर्श नगर में 18 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक दिव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा। श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर और दुर्गा मंदिर सेवा समिति द्वारा बताया गया कि मंदिर परिसर में श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम दरबार, श्री राधा कृष्ण और वीर बजरंग बली के देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए 18 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी। खेल जगत से सीतापुर जनपद को गौरवान्वित करने वाली खबर है। बरेली पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित ऊषा देवी राज्य स्तरीय महिला पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में सीतापुर पावर लिफ्टिंग टीम की वंदना कल्याणी और साधना दीक्षित ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। वहीं कीर्ति ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। इस टीम के नेतृत्व में उनके कोच श्रवण कुमार मिश्रा ने किया। तीन स्वर्ण और एक कांस्य जीत कर लौटी टीम का एसोसिएशन के जिला सचिव अनूप कुमार व अन्य पदाधिकारियों सहित तमाम खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय स्तर की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सीतापुर टीम के खिलाड़ियों का चयन कर लिया गया है। इसमें बालिका वर्ग से वंशिका पाल, प्रिया मिश्रा, प्रतीक्षा यादव, रुषदी फुरकान और कामिनी राजपूत तथा बालक वर्ग में
अभिषेक पांडे, आयुष राज, शुभ कुमार, ऋतुराज, अभिषेक पटेल और उत्कर्ष अवस्थी के नाम शामिल हैं। यह खिलाड़ी 16 से 18 फरवरी तक गुजरात के अहमदाबाद में होने वाली 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट में प्रतिभाग करेंगे। इस मौके पर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के संरक्षक विश्ववीर गुप्ता ने चयनित खिलाड़ियों को किट प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान अनुराग गुप्ता, मुकेश पाल, रितु गुप्ता और राज शर्मा पदाधिकारीगण मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर द्वारा सिधौली में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस दौरान साड़ी युक्त महिला दौड़ में बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। 5 किलोमीटर की इस दौड़ का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने किया। इस प्रतियोगिता में सावित्री देवी ने पहला, कोमल ने दूसरा और सोनी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सिधौली ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत, कुंदला मऊ प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, कमलापुर प्रमुख मुन्नी देवी और प्रधान संघ अध्यक्ष विवेक सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। भाजपा द्वारा मिश्रिख में विधानसभा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न दलों के तमाम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामकृष्ण भार्गव ने पार्टी में शामिल होने वालों का स्वागत करते हुए उनके साथ सदस्यता ग्रहण कराई। ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन नीरज वर्मा झल्लर ने किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, यूसु शुक्ला और सतीश शास्त्री मौजूद रहे। मिश्रिख के मिलन समारोह में पूर्व प्रधान नरेश चंद्र मिश्रा, रसियु नारायण शुक्ला, रामदयाल राजवंशी, राम भरोसे यादव, प्रधान दशरथ, गुड्डू कोटेदार, साधु हसन, मुश्ताक प्रधान, गंगाराम प्रधान, श्रीकृष्ण यादव, शरीफ अली, देवेंद्र तिवारी, नीरज राठौर, राकेश राम, स्नेही, अभिषेक अवस्थी, विपिन दिनकर, प्रमोद शिवा, संतोष यादव, शिवपाल राजवंशी, कमलेश लोधी, लालता विश्वकर्मा, प्रधान चंदन सिंह, राजन राजवंशी और कन्हैया लाल आदि ने विभिन्न दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। महमूदाबाद से भाजपा विधायक आशा मौर्य के आवास पर विधानसभा मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान विधानसभा संयोजक चंद्रभूषण शुक्ला और प्रभारी सुधीर सिंह की अध्यक्षता में 4 सैकड़ा से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। समारोह का संचालन सुधीर सिंह ने किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष रमाशंकर, राम कुमार वर्मा, कमलेश तिवारी, सर्वेंद्र विक्रम सिंह और मीडिया प्रभारी प्रदीप सिंह मौजूद रहे। सरकारी गेहूं खरीद को लेकर जारी शासनादेश के संबंध में सीतापुर में जिलाधिकारी अनु सिंह ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने कहा है कि 15 मार्च से सरकारी गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए है। सरकारी केंद्र पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा। यूपी बार काउंसिल के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की भागदौड़ जारी है। इसी कड़ी में काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान सदस्य अखिलेश कुमार अवस्थी सीतापुर बार एसोसिएशन में पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अखिलेश कुमार अवस्थी ने आगामी चुनाव में सहयोग प्रदान करने की अपील की। इस दौरान बार महासचिव बुद्ध प्रकाश मिश्रा, राम मोहन पांडे, राजेंद्र प्रताप तिवारी, देवेंद्र मिश्रा, इशरत अली और अरुण मिश्रा आदि अधिवक्ता मौजूद रहे। कसमंडा ब्लॉक के जगदीशपुर स्थित माता पचकरिया धाम में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन जारी है। चतुर्थ दिवस यज्ञ समिति अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, रमेश मिश्रा, विदुर दयाशंकर और गिरीश वाजपेयी आदि ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान वृंदावन से पधारी कथावाचिका राधा किशोरी ने भागवत कथा का प्रवचन किया। महमूदाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी सिंह ने छात्राओं को टीका लगाकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में महक, प्राचीन, नाजिया, फातिमा, जहरा, रहनुमा, रीतु, कोमल, फायजा और अंजुम आदि छात्राओं को स्वेटर प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन अमित ने किया। इस मौके पर पूनम मौर्य, प्रीति गुप्ता, सबीहा, नसरीन, वसुंधरा, कन्नौजिया, स्नेहलता, अंजनी, अनीता वर्मा, आशा, नमिता अधिकारी, कीर्ति आर्या, रुबीना खातून और शिखा सिंह मौजूद रहे। हरगांव ब्लॉक के भैरमपुर स्थित ब्रह्मदेव आश्रम पर चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भंडारे के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन कथाव्यास मृदुलेश गिरी और यज्ञाचार पंडित आलोक तिवारी ने भागवत महिमा का बखान किया। इस मौके पर ठाकुर प्रसाद यादव, नेता यादव, संदीप अवस्थी, सरजू भार्गव, प्रकाश भार्गव, पंकज यादव और राकेश राजपूत मौजूद रहे। महमूदाबाद में चल रहे लेखपालों के धरना प्रदर्शन के समर्थन में लेखपाल संघ जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के आह्वान पर महमूदाबाद के लेखपालों ने मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन दिया। तहसील अध्यक्ष ललित सिंह ने कहा कि जिला अध्यक्ष ने घोषणा की है, जब तक तहसीलदार का तबादला नहीं हो जाता है आंदोलन जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज,
पहली मंजिल पेंगुइन टावर हरदोई रोड सीतापुर। चोरी से आम का पेड़ काट रहे लकड़ कट्टे लोगों के आने की आहट पर कटे हुए पेड़ के साथ अपनी बाइक भी छोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक और लकड़ी को बरामद कर लिया है। मामला लहरपुर कोतवाली के नगई मल्लापुर का है। यहां के रामलखन ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि अज्ञात चोर उसके पेड़ काट रहे थे। सूचना मिलने पर जब परिवार सहित वहां पहुंचा तो लोग कटे हुए पेड़ सहित एक बाइक मौके पर छोड़कर फरार हो गए। बताया गया कि पेड़ काटने वालों में तारनपुर निवासी गुफरान व मुनान तथा उसके अज्ञात साथी शामिल हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लहरपुर कोतवाली में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए एसपी चक्रेश मिश्रा ने चुनाव को सकुशल निपटाने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने लोगों से सीसीटीवी कैमरे को लगवाने के लिए कहा। इसी के साथ एसपी ने कोतवाली का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सीओ सुशील कुमार यादव, कोतवाल मृदुल मुकुल प्रसाद वर्मा, पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद, व्यापार मंडल अध्यक्ष अशरफ बिलाल, हरीश रस्तोगी, ईट भट्टा एसोसिएशन जिला अध्यक्ष हाजी कमालुद्दीन, फुरकान अली, दीपू पांडे, वसीम बानो, मनीष शुक्ला, उत्तम शर्मा और प्रखर रस्तोगी मौजूद रहे। सीतापुर में रेल सुविधाओं के विस्तार का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को ट्रैक दोहरीकरण कार्य का स्पीड ट्रायल किया गया। इस दौरान स्पेशल ट्रेन को टप्पा खिजूरिया सीतापुर सिटी और सीतापुर जंक्शन के बीच 110 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ाया गया। यह परीक्षण मुख्य रेल संस्था आयुक्त जेके गर्ग के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान लखनऊ मंडल के DRM आदित्य कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस परीक्षण के क्रम में क्या हुआ और अब इससे किन सुविधाओं में इजाफा होगा, इसे विस्तार से जानने के लिए संबंधित खबर आप आई इंडिया पर देख सकते हैं। लहरपुर में चल रहे लेखपाल आंदोलन के समर्थन में मिश्रिक तहसील लेखपाल संघ द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व तहसील अध्यक्ष विकास सिंह चौहान ने किया। इस दौरान जिला मंत्री राधेश्याम यादव, ओमकार तिवारी, कुलदीप सिंह, ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, पंकज पांडे, वंदनी वर्मा, शिवांगी गुप्ता और आशीष तिवारी आदि लेखपाल मौजूद रहे। इसी कड़ी में बिसवा तहसील लेखपाल संघ द्वारा भी लहरपुर इकाई के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। इसका नेतृत्व तहसील अध्यक्ष सौरभ यादव ने किया। धरने को जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार यादव ने संबोधित किया। इस दौरान अर्शद बेग, आशीष यादव, अमर सिंह मौर्य, पूनम रामदास गुप्ता और योगेश कुमार लेखपाल मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के बरगावा में दुर्गा मंदिर पर चल रही रामलीला का समापन हो गया है। अंतिम दिन राधा कृष्ण वियोग का मंचन किया गया। रासलीला समापन के अवसर पर क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के खैरुल्लापुर निवासी कांग्रेस नेत्री विनीता राजवंशी को पार्टी का जिला महासचिव बनाया गया है। इस मनोनयन को लेकर विनीत दीक्षित, ध्रुव राजवंशी और हाजी सिराज अहमद सहित तमाम कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया है। कसमंडा ब्लॉक के नवागत BDO प्रशांत कुमार शुक्ला ने महोली, रेवरी और बहरी मऊ स्थित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खामियों को लेकर मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सचिव अभय प्रताप, दीपक प्रदीप कुमार, गणेश कुमार, सुधीर वाजपेयी, प्रधान प्रतिनिधि धर्म सिंह, सुशील कुमार प्रधान रेवरी, लालजी भार्गव, महेश कुमार और नौमी लाल मौजूद रहे। सिधौली बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रदीप सिंह ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी रामप्रसाद गौतम को 24 मतों के अंतर से हराया। इसी तरह से महामंत्री पद पर शिवशंकर यादव और कोसा अध्यक्ष पर मिथिलेश कुमार ने जीत दर्ज की है। लहरपुर विधानसभा के परसेंडी ब्लॉक पर आयोजित भाजपा के मिलन समारोह में करीब 400 लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने सभी को माला पहनाकर स्वागत किया और सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान चेतराम, अंजुम, स्वैब अंसारी, राजा राम, प्रमोद भार्गव, छोटेलाल चौहान और राजेश वर्मा आदि ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। मंगलवार का दिन भाजपा के लिए कुनबा बढ़ाने वाला रहा। लखीमपुर के भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां पार्टी से निकाले गए कई भाजपा नेताओं की घर वापसी कराई गई, वहीं दूसरे दलों से आए लोगों को भी सदस्यता ग्रहण कराई गई। इसी कड़ी में DCDF के उपाध्यक्ष शौर्य सक्सेना की घर वापसी हुई है। इसी के साथ जिला पंचायत सदस्य अर्जुन वर्मा, अनूप सिंह, डॉक्टर अजीत सिंह, राकेश अग्रवाल और सभासद शमसुल हसन तथा दीपक सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। लखीमपुर के गोला नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दूसरे दलों से आए 119 नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अमन गिरी, चेयरमैन विजय शुक्ला, उपाध्यक्ष सुंदर लाल वर्मा, विनोद वर्मा, धर्मेंद्र सिंह और वीरेंद्र भूषण ने पार्टी में शामिल होने वालों का स्वागत किया। इस मौके पर लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष शिवम गुप्ता अपने तमाम साथियों के साथ भाजपा में शामिल हुए। लखीमपुर के निघासन स्थित अंतर्वेद मंदिर पर 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर खिचड़ी समरसता भोज का आयोजन किया जाएगा।
मंदिर के महंत गोकुलदास उर्फ ब्राजू बाबा ने बताया कि समरसता भोज के क्षेत्र के तमाम गणमान्य सहित सैकड़ों साधु संत और श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। लखीमपुर में थाना पिसावा के बरवर चौकी क्षेत्र स्थित पैंकीपुर में खाली बड़ी खलिहान की जमीन पर 22 जनवरी को कुछ लोगों ने राम मंदिर का झंडा लगाकर चबूतरा बना दिया था। इसके बाद गांव के दूसरे पक्ष ने अंबेडकर पार्क से रविदास की मूर्ति को उठाकर इसी झंडे के पास स्थापित कर दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद और फिर पथराव होने लगा। इसे वहां लाई गई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके बाद पुलिस पहुंची तो ग्रामीण उस पर हमलावर हो गए। इसे देख SDM अवनीश कुमार और CO अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया तथा लाठियां फटकार कर हालात को काबू में किया। इसके बाद सरकारी भूमि को दोनों पक्षों से खाली करा दिया गया। लखीमपुर की धौरारा वन रेंज के अंतर्गत ग्राम अवस्थी पुरवा और चंद्रासा में हरे पेड़ों का अवैध कटान लगातार जारी है। इसे लेकर विभागीय मिलीभगत के आरोप लगाए जा रहे हैं। लखीमपुर के मैलानी कस्बा के खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे श्याम भक्तों को नागरिकों ने विदाई दी। इस दौरान अबीर गुलाल उड़ाते हुए सैकड़ों लोगों ने खाटू नरेश के जयकारे लगाए। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी और उनके पति भवानी शंकर माहेश्वरी द्वारा श्याम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, अरविंद गोयल, सुभाष गोयल, बीरपाल यादव, बाल गोविंद कुशवाहा, जितेंद्र शर्मा, विवेक गुप्ता और राजेश दीक्षित मौजूद रहे। लखीमपुर में ग्रामीणों पर जंगली जानवरों के हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा है। ताजा मामला थाना मैलानी के रामपुर का है। यहां खेत में गन्ना काट रहे 11 मजदूरों के दल पर खेत में छिपे बैठे टाइगर ने अचानक हमला कर दिया। इसमें मजदूर छैल बिहारी घायल हो गया। बता दें प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल गिर चुकी है। शिक्षिका मीरा देवी के मुताबिक आए दिन टाइगर वहां तक आता रहता है। फिलहाल ताजा घटना से क्षेत्र में खौफ पसर गया है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। पिछले किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत और उनके भाई तथा संगठन अध्यक्ष नरेश टिकैत फिलहाल वर्तमान किसान आंदोलन की पिक्चर से गायब है। टिकैत बंधुओं की गैर हाजिरी मौजूदा किसान आंदोलन में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब टिकैत बंधुओं ने इस मामले पर बयान दिया है। नरेश टिकैत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, यह जिद्दी रवैया घातक साबित हो रहा। दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने कहा किसानों को दिल्ली आने से नहीं रोकना चाहिए, सबको यहाँ आने का अधिकार है। अगर इनको दिक्कत हुई है तो हम भी एक्टिव होंगे और दिल्ली मार्च करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बैरिगेटिंग गिराने पर आमादा किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जाने पर अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, भाजपा राज में ये है भला कैसा अमृतकाल, किसानों पर आंसू गैस के गोलों की बौछार, धिक्कार धिक्कार धिक्कार। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया में मंगलवार को सपा के तीनों उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस चुनाव के लिए जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और आलोक रंजन ने पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके चाचा तथा सपा नेता शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। बता दें विधानसभा के गणित को देखते हुए इन 10 सीटों में भाजपा के खाते में 7 और सपा के खाते में 3 सीटें तय माना जा रहा है। सपा में चल रही प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को लेकर शाहजहांपुर के सपा नेताओं ने अखिलेश यादव को बंद लिफाफे सौंपे हैं। माना जा रहा है इन लिफाफों में दर्ज नामों में से कोई एक नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित हो सकता है। कहा जा रहा है सपा यहां पर कोई दमदार प्रत्याशी उतारना चाहती है, जिसके लिए जिले के नेताओं की नब्ज टटोली जा रही है। बता दें 2014 में भाजपा प्रत्याशी कृष्णा राज ने सपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमार को हराकर जीत दर्ज की थी। 2019 में कृष्णा राज का टिकट कटने के बाद अरुण सागर ने भाजपा का परचम लहराया था। 10 साल से इस सीट पर भाजपा के कब्जे को देखते हुए सपा मजबूत प्रत्याशी को मैदान उतारने में प्रयास कर रही है। दूसरों को हेलमेट लगाने की नसीहत देने वाले पुलिस कर्मियों को खुद हेलमेट न लगाना भारी पड़ गया। मामला यूपी के बरेली जिले का है। बरेली में इन दिनों यातायात नियमों के पालन पर सख्ती बढ़ती जा रही है। इसी बीच मंगलवार को SSP कार्यालय में SP ट्रैफिक ने बाइक से आने वाले पुलिस कर्मियों की चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान बिना हेलमेट लगाए पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों का चालान काट दिया गया। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को होने वाली कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना जरूरी है। इस परीक्षा में 300 अंकों के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अहम बात यह है कि यदि उत्तर गलत हुआ तो आधा अंक कट जाएगा। इसके अलावा एक से अधिक उत्तरों पर गोला बनाने वालों को उस प्रश्न के लिए भी निगेटिव मार्किंग की जाएगी। हर प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। इसमें केवल एक ही सही उत्तर पर निशान लगाना है।
OMR सीट केवल नीले या काले वाले पेन से ही भरनी है। हिंदी अन्य सभी विषयों के प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक वाले अभ्यर्थियों की समस्या अंतहीन बनी हुई है। 6,800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर यह अभ्यर्थी करीब 600 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आंदोलन कर रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर इन अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर घेराव कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता जानबूझकर लीपापोती वाली बहस कर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के राम बनाम सपा के शिव, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मंदिर राजनीति में उतरते हुए भाजपा की तरह मंदिर वाली राजनीति पर अपना दांव चल दिया है। दरअसल इटावा में अखिलेश यादव केदारनाथ की तरह से केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। इसके लिए नेपाल से शालीग्राम की शिला मंगवाई गई है। मंगलवार को सपा के प्रदेश कार्यालय में अखिलेश यादव ने शिला का विधिवत पूजन किया। इस मौके पर डिंपल यादव, जया बच्चन और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। पूजा के बाद शिवपाल यादव ने कहा कि राम भी जब युद्ध के लिए गए थे तो भोलेनाथ की पूजा करके गए थे। उधर अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में रूट और ठहराव दोनों को घटा दिया गया है। 11 दिन की यात्रा 6 दिन में ही यूपी के पूर्वी हिस्सों से होते हुए मध्य प्रदेश चली जाएगी। इसे लेकर कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी के पाला बदलने के कारण यात्रा में यह बदलाव किया गया है। अब खुद राहुल गांधी ने इस चर्चा का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में होने वाली बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा के समय को घटा दिया गया है ताकि इसकी वजह से छात्रों को कोई परेशानी ना हो। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए राहुल गांधी ने यह निर्णय लिया है। यूपी में यात्रा का समय कम किया जाएगा। अब बात कांग्रेस खेमे में चल रही एक और चर्चा की। दरअसल पिछले काफी समय से प्रियंका गांधी राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब है। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। यह अनुमान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की गाड़ी बेपटरी ना कर दे, इसे देखते हुए प्रियंका गांधी को लेकर बड़ी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से यूपी पहुंचेगी। इसके बाद यह यात्रा पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंचेगी, जहां पर प्रियंका गांधी अपने भाई का साथ देने के लिए मौजूद रहेंगी। इस दौरान वह करीब 12 किलोमीटर पदयात्रा करेंगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और MLC स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सनातन विरोधी बयानों के चलते भाजपा और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर यूपी की सियासत में सवालों का भूचाल खड़ा कर दिया है। हालांकि उन्होंने केवल पद छोड़ा है और MLC पद के लिए कुछ नहीं कहा है। फिलहाल अपने लंबे चौड़े पत्र में मौर्य ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। मिरा सिनेमास, पहली मंजिल पेंगविन टायर, हरदोई रोड, सीतापुर।